अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद बंसर है और मैं शेरे जना क्लिफ्टन का रिहायशी हूँ। कल शाम को जब मैं अपने घर पहुँचा तो मेरा घर में मेरे बीवी बच्चे मुझे नहीं मिले। मैं बहुत परेशान हुआ और फिर दो घंटे बाद मेरे पास एक नामालूम अफराद की कॉल आती है कि तुम्हारे बीवी बच्चे मेरे पास हैं, अगर तुम अपने बीवी बच्चों को सही सलामत चाहते हो तो तुम अभी कॉल पे अपनी बीवी को तलाक दो, नहीं तो मैं तुम्हारे बच्चों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उस बंदे की मुझे धमकियां मिल रही हैं और मैं भी फौरन जैक्सन थाना के माड़ी पहुंचा, जहां पर मैं पक्की FIR कटवाने गया। जिन्होंने मेरी पक्की FIR नहीं काटी और मुझे कच्ची FIR काट कर उन्होंने मेरे हाथ में दे दी, बोला अब जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा। फिर वो मैं कच्ची FIR जाके CPLC गया तो वहां पर भी उन्होंने जमा कर दी, वहां से भी अभी कोई मुझे कॉल वो रब्ता वब्ता नहीं हो रहा है, जिस वजह से बहुत परेशान हूँ। 3 दिन मुझे हो गए, वो बंदा बार बार कभी मेरी बेटी से बात करा रहा है, कभी मेरे छोटे बेटे से बात करा रहा है। मेरे 3 बच्चे हैं और मेरा बीच वाला बेटा रजा उसकी मेरे से बात नहीं करवा रहा। वो मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी गुजारिश है कि मुझे मेरे बीवी बच्चे सही सलामत मिले। और मैं दोबारा थाने में 3 दफा जा चुका हूँ, वो मुझे पक्की FIR नहीं काट रहे, बोल रहे आ जाओ कल आओ, मेरा कोई नहीं सुन रहा। मैं बहुत तंग आके, अब यहाँ कोई मीडिया वाला भी नहीं है, मैं खुद से रिकॉर्डिंग करके अपनी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और मेरी डीजी से और मेरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इमरान खान, वजीर आला सिंह सैयद मुराद अली शाह और बिलावल भुट्टो साहब से दरख्वास्त है कि मेरे बीवी बच्चे मुझे सही सलामत मिले, और अगर मेरे बीवी बच्चे मुझे सही सलामत नहीं मिले तो इसका जिम्मेदार जैक्सन थाना होगा। मेरी कोई नहीं सुनी जा रही, मेरी दरख्वास्त है कि मेरी बीवी बच्चे मुझे सही सलामत मिले और उस बंदे को कैफरे किरदार से पहुंचाया जाए और मेरी FIR काटी जाए। उस बंदे ने जब कॉल की तो अपना नाम मुझे उस बंदे ने कैसर बताया।